देखिए मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में, ये एक तहरीर जो पुलिस को प्राप्त हुई 16 तारीख में पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कि एक लड़की के चले जाने का एक मामला दर्ज हुआ था 363/66 में, जिसमें उसके फादर ने कहा था कि उसको पूर्ण विश्वास है कि उसकी पुत्री को ये फलां लोग लेके गए हैं। उसी की तहरीर पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 3 दिन बाद जब ये लड़की बरामद हुई तो इस लड़की को तत्काल पुलिस ने 161 और मेडिकल के सारी चीज़ें उसमें जो टेक्निकली कार्रवाई होती है सब की गई। और जब उसका 164 का अवलोकन पुलिस ने किया तो जो सेक्शंस उसके हिसाब से बढ़ रहे थे, पुलिस ने तत्काल उन सेक्शंस को अप्लाई करते हुए उन सेक्शन में तरमीम किया पूरी विवेचना को, और उसके बाद इन अभियुक्तों को पकड़ने की पूरी दबिश दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो जिस लड़की के बारे में ये एफआईआर, जिस लड़की के चले जाने के बारे में एफआईआर दर्ज हुई थी, और जो इसमें आरोपी हैं वो एक ही गाँव के हैं और आसपास के रहने वाले हैं। चूँकि दोनों की जाति अलग है तो इस संदर्भ में जानकारी अभी जो इनिशियल मिली है उसमें यह है कि परिवार वालों ने उसको काउंसलिंग भी की और उसको काउंसलिंग के लिए कानपुर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया था। उसके बाद पता चला है कि कल उसने सुसाइड किया है। तो पुलिस इन सभी बिंदुओं पर ओपनली इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे एस्पेक्ट पर विवेचना कर रहे हैं, और जो भी इसमें फैक्ट निकल के आएंगे उसके बाद उचित और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।